4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम है 4 ग्राम है, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? कोई भी बॉडी है हमको नहीं पता है वो कितना ग्राम है कितनी केजी है, हमको इसको हीट देना है और इतना हीट देना है कि इसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, तो उस हीट की रिक्वायरमेंट को उसको थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी की वो मास ऑफ द बॉडी और स्पेसिफिक हीट, तो मास ऑफ द बॉडी कितना 40 ग्राम है और 40 ग्राम और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन है, तो यह आ जाएगा 8 कैलोरी पर केल्विन, दैट इज द थर्मल कैपेसिटी। लेकिन मैं लिखना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो 4.2 इसको मल्टीप्लाई है तो क्यू इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, इसका मतलब ये हुआ कि 16 है और 33.6 जूल पर केल्विन, दिस इज द डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। थर्मल कैपेसिटी आपको डिफिनेशन यहाँ क्लियर करा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहते, थैंक यू।